हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। इससे पिछले वीडियो में जैसे प्रॉमिस किया था और बात भी हमने की थी काउंटिंग सॉर्ट के बारे में कि भैया ये भी इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस उसके लिमिटेशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट कम पड़ रहा है, क्या उसके रिस्ट्रिक्शंस है, क्या लिमिटेशंस है, उसके बारे में बात करते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस जो कि काउंटिंग सॉर्ट के हैं उनको हम लोग यहाँ पे बड़े इलस्ट्रेटेड मैनर में समझने वाले हैं। पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो तो ऑब्वियसली आपके सामने है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज बराबर। मतलब जैसे कि यहाँ पे रेंज हमने पिछले एग्जांपल में लिया था 1 से लेके 5 तक, बराबर। सो दिस वाज द रेंज। तो जो भी आपकी कीज आपको सॉर्ट करनी है बाय यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट, वो भाई साहब इसी रेंज में होनी चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं है तो वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया 1 से 5 तक भैया रेंज होनी चाहिए, और अगर मेरी जो कीज हैं वो कुछ ऐसी है, लेट से ये तो है, यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया और यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, बराबर है। तो नाउ काउंटिंग सॉर्ट वोंट बी एबल टू सॉर्ट इट, बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि भैया जो भी आपकी कीज होंगी वो लेस देन 1 नहीं होनी चाहिए और ग्रेटर देन 5 नहीं होनी चाहिए। ये कहने का मतलब है इट शुड बी विद इन दिस रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे इन नंबर्स की वजह से, यहां पे अगर मैं -1 भी ले लेता हूं तो ये जो नंबर्स हैं विच इज गोइंग लेस देन 1 एंड विच इज ग्रेटर देन 5, इस वजह से काउंटिंग सॉर्ट वोंट बी एबल टू परफॉर्म। क्यों? बिकॉज यहां पे जो भी ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं फॉर काउंटिंग द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, बराबर है कि नहीं, ऑफ दोज नंबर्स विच आर अकरिंग इन द की, तो यहां पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली उसी रेंज के नंबर्स के लिए यहां पे ब्लॉक्स क्रिएट करके रखे हैं। यहां पे हमने -1 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए कोई भी ब्लॉक क्रिएट नहीं किया, तो भाई उनकी फ्रीक्वेंसी कहां गिनोगे, उनका काउंट कहां गिनोगे। सो देयरफॉर जो भी रेंज के अंदर है भैया वही आपके कीज होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन डिसएडवांटेज ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सिनेरियो आप सोचोगे, जैसे कि मैंने कहा था कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजरली डिपेंड करती है ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि ऑब्वियसली आपका के कितने होने चाहिए, के ब्लॉक्स होने चाहिए, बिकॉज आपका साइज कितना है, रेंज कितना है, के इज इक्वल टू 5 इस केस में, बराबर। तो यहां पे तो ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं, ये मेरी कुछ कीज है, बराबर है, कीज कुछ ऐसी है 1, 2000, 3 एंड 8, बराबर। ये मेरा सेट ऑफ कीज है जिसे मुझे सॉर्ट करना है, बराबर। अब मुझे बताइए इसके लिए भाई रेंज क्या होगा। इसके लिए रेंज सिंपल सी बात है, इट विल बी 1 से लेके 2000 तक, बात बराबर, 1 से लेके 2000 तक। तो नाउ जस्ट टू सॉल्व दिस मच ऑफ अ प्रॉब्लम, उसमें से भी ऑलरेडी आपका सब कुछ सॉर्टेड है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस 2000 को यहां पे लगाना, दैट्स इट। बाकी तो सब कुछ सॉर्ट है, 1, 3, 8, सिर्फ ये 2000 बीच में आ गया है, इसे आपको सिर्फ यहां पे करना है, यहां लगाना है, सबसे पीछे लगाना है क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर है। तो यहां पे इतना सा काम करने के लिए, इतना सा टास्क करने के लिए, छोटा सा जॉब करने के लिए आपको कितनी मेमोरी लगेगी, के यानी कि हाईएस्ट, यानी कि 2000। तो भैया आपका कितना होगा वो डेटा स्ट्रक्चर, कितने ब्लॉक्स होंगे, इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 1 टू टिल इट इज 2000, बराबर है कि नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, आपको टास्क करना है इतना सा, लेकिन आपने स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर लिया, बराबर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेस इज गोइंग टू बी वेस्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका वो जो 1 है उसका काउंट आएगा 1, 2000 जो है उसका काउंट आएगा 1, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे 3 होगा उसका काउंट आएगा 1, यहाँ पे समवेयर 8 होगा उसका काउंट आएगा 1, दैट्स इट, बराबर है, दैट्स इट। और बाकी का जो स्पेस है वो तो आपने बेवजह अलोकेट कर दिया, इट वॉज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक काउंटिंग सॉर्ट का सामने आता है कि भाई जब इस कदर आपका बड़ा सा रेंज होगा और काम कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा काम है आपको, बस इट्स जस्ट वेरी स्मॉल जॉब, फिर आपको कितनी सारी आप स्पेस वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे आपके वेस्ट हो रहे हैं, एंड विच शुड बी यूज वेरी मच कॉशियसली, भैया संभाल के यूज करना चाहिए जिस चीज़ को, यहाँ पर तो सरेआम उसको वेस्ट किया जा रहा है, बराबर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ काउंटिंग सॉर्ट जो कि हमने इस वीडियो में देख लिया है, समझ लिया है। सो दो डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है दोस्तों। अगर वो आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।